हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हर्ब्स का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दही के बारे में। आपको किन चीजों के साथ दही का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, कल मैं एक बहुत रिप्यूटेड यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो देख रहा था जिस पर उन्होंने ये बात बोली थी कि दही के साथ आपको किन चीज़ों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। मतलब वो कहना चाह रहे थे कि इनमें से कोई एक चीज़ दही के अंदर ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। वो भाई साहब एक BAMS डॉक्टर थे, पढ़े लिखे डॉक्टर थे, और उस यूट्यूब चैनल के 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छे खासे व्यूज आते हैं। लेकिन मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि वो भाई साहब जिनको नाक भी पहुंचना नहीं आता, वो आयुर्वेद पर ऐसे कमेंट कर रहे थे कि जैसे वो बहुत बड़े ज्ञानी हों। जो सारी चीज़ें वो गिनवा रहे थे, वो चीज़ें वो हैं जिनको दही के पास भी नहीं फटकना चाहिए। मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके सामने आयुर्वेद का वो श्लोक जो आचार्य वाग्भट ने अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय के अंदर लिखा है, Chapter 5 के अंदर जहाँ पर उन्होंने दही की बात की है, वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आचार्य कहते हैं, ना मुद्र सूपम ना क्षौद्रम तना घृत सीतोपलम। अब ना का मतलब ये चीजें आपको दही के साथ नहीं लेनी। मुद्र सूपम मतलब हरी मूंग की दाल या उसके पानी के साथ इसको सेवन नहीं करना। नाक शौद्रम शहद के साथ भी दही का सेवन नहीं करना। तना घृतम सीतोफलम, ना घी के साथ ना सीताफल के साथ दही का सेवन आपको करना है। उसके बाद सेकंड लाइन में आचार्य कहते हैं, ना चान आमलकम। अब जो तीसरा शब्द है मलकम, जो आ की मात्रा है, वो चान के साथ ही है। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं दही के साथ ना तो आपको चीनी का प्रयोग करना है, ना आपको आंवले का प्रयोग करना है। तो ये वो 6 चीजें हैं जिनको आचार्य ने दही के साथ लेने से मना किया है। ये 6 चीजें आपको दही के साथ सेवन नहीं करनी। तो आगे आपकी मर्जी है, अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।